राजगढ़ जिले के सारंगपुर में अस्पताल रोड पर बाइक सवार तीन लोगों ने स्थानीय पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना मंगलवार रात 9 बजे की है। बताया जा रहा है कि पत्रकार सलमान खान घटना के समय अस्पताल के किनारे स्कूटी पर बैठा था। इसी दौरान तीन लोग पहुंचे और कनपट्टी से सटाकर गोली चला दी। वारदात के वक्त सलमान का 9 साल का बेटा उसके साथ था। गोली चलने की आवाज सुनकर मौके पर भारी भरकम भीड़ जमा हो गई। तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि बाइक सवारों ने सलमान को देखते ही बिना बात किए गोली मार दी। सलमान पर पिछले साल भी हमला हुआ था, जिस समय पर गोली मारी गई थी उसी समय घटना स्थल से महज 50 कदम की दूरी पर SDOP अरविंद सिंह गाड़ी से आ रहे थे, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही बाइक सवार गोली मारकर फरार हो गए। पुलिस ने आसपास के CCTV फुटेज खंगाले हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी हिरासत में होंगे। सलमान लंबे समय से इंदौर से प्रकाशित दैनिक अखबार और यूट्यूब चैनल में काम करता था। जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ मध्य प्रदेश ने सारंगपुर में पत्रकार सलमान अली की गोली मारकर हत्या के विरोध में शासन से हमलावरों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग रखी है। इस संदर्भ में आज GUMP ने मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन शिवपुरी पुलिस अधीक्षक को सौंपा है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। मैं आपका लक्ष्मण सिंह रावत। लक्ष्मण जी, आया GFC ऑफिस में ज्ञापन दिया गया, किस संस्था के द्वारा दिया गया और क्या मांग थी आपकी? पत्रकारों पर लगातार जो अत्याचार हो रहे हैं, जैसे कि अभी राजगढ़ तहसील के उसमें सारंगपुर में सलमान अली पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, और उस अवसर पर हम शिवपुरी जिले के सभी पत्रकारों ने एकत्रित होकर ज्ञापन दिया है। एक गुना में एक पत्रकार को भी के साथ में मारपीट का मामला सामने आया है, उसका भी हमने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया था। आज SP ऑफिस में जाकर हम चाहते हैं कि पत्रकारों के हितों में कोई एक ऐसा कानून बनाया जाए जिससे पत्रकारिता जो है वो सुरक्षित रहे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।